हेलो एवरीवन आज हम करेंगे लेक्चर टू ऑफ क्लास टेन चैप्टर टेन नेम सर्कल्स लेक्चर वन में हम काफी सारी चीजें करके आए थे जल्दी से रीकैप कर लेते हैं टेंजेंट करके आए थे सीकेंड करके आए थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करके आए थे तीनों तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है एक प्लेन को सर्कल वो करके आए थे ठीक है सो so, हम काफी सारी चीजें और भी करेंगे ठीक है और देखते हैं सबसे पहला जो मेरा ये पॉइंट है इस लेक्चर को बनाने का ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि अब जो सर्कल हम करने जा रहे हैं इसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट से हम देखेंगे ठीक है उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए अब एक जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वह यह है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज 10.2 की इंट्रो है ठीक है और इसके बाद 10.2 विल बी द होमवर्क यू हैव टू डू सो करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल ठीक है देखिए कुछ बच्चों के साथ तो हमारी ये डिस्कशन हुई थी पर वीडियो में मैं नहीं बताई है ये बातें तो मैं ये आपको बता देता हूं ठीक है जैसा कि मैं आपको बताया है कि, कि किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट निकल सकती है ठीक है तो दूसरी बात यह है कि अगर किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट निकल सकती है तो सर्कल पे जो हमारा रूल होता है देर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स इसका मतलब है देर मस्ट बी इनफाइनाइट पॉइंट्स अब कई बच्चे एक डाउट क्रिएट करते हैं और मेरे पास लेके आते हैं कहते हैं सर हम आपको एक सर्कल बना के दिखाते हैं विद फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देखिए कहते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है आप चाहें तो इसमें से थोड़े और डाल सकते हैं तो ये पूरा एक ऐसे सर्कल बन जाएगा अब सर्कल कैसा भी हो बोला यह गया है कि देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू सर्कल अब वो इनफाइनाइट कैसे बनी तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी एक्सप्लेनेशन मैंने बनाई है कि सर्कल का जो सर्कम होता है वो होता है टू पायर ठीक है अगर मैं इस सर्कल को खोल दू तो कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है टू पायर और ये एक लाइन बन गई है और हमें पता है और इसको बोलते हैं ये एक रियल लाइन बन गई है ठीक है और ये टू पाई आर के बराबर है ये वाली लाइन की लेंथ और हमें पता है कि अगर ये टू पाई आर है तो कोई भी दो पॉइंट्स कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं यानी अगर मैं कोई भी दो नंबर लिख लू चाहे रैशनल हो या रैशनल हो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं ठीक है अगर उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स पे फिर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं ठीक है आई होप ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है संशय है तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा आई कैन क्लियर दैट आउट ठीक है कोई परेशानी होगी नहीं आपको ओके okay. अब हमने एक और लॉजिक uh, करने की यहां पे सोची है कि अगर एक सर्कल है दिस इज सर्कल और एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल लेट से पॉइंट ए यहां से हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं मैंने यहां से एक टेंजेंट खींच ली ये इसको मिला ये इसको मिला ठीक है तो हिसाब से अगर ये बी है ये सी है और ये ओ है तो ए बी ओ सी एक क्वाडिलेटरल बन जाता है सो एक थ्योरम होती है अगर आप भी देखेंगे तो थ्योरम 10.2 है वो कहता है कि अगर मैं एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लूं और उससे सर्कल पे टेंजेंट्स खींचूं तो सिर्फ दो टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं दो से ज्यादा टेंजेंट्स उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर नहीं खींची जा सकती हैं ठीक है ये बात समझने वाली है दूसरी बात ये समझने वाली है कि अगर एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो से ज्यादा टेंजेंट्स नहीं खींची जा सकती हैं तो वो जो दो टेंजेंट्स होंगी उनकी लेंथ विल ऑलवेज बी इक्वल ए बी इज इक्वल टू ए सी ये है हमारे पास एक थ्योरम अब देखिए इसी फिगर को ध्यान में रखते हुए थ्योरम 10.2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसकी स्टेटमेंट है पेज नंबर 211 पे आप भी पढ़िएगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल तो ये रिक्वायर्ड टू प्रूव में आ गया है कि ये इक्वल होती हैं ये प्रूव कीजिए तो ठीक है जी गिवन वैसे तो आप लिख लेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर ओ ठीक है एंड ए इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम ए रिक्वायर टू प्रूव क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी ये प्रूव है हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन चाहिए हाँ जी चाहिए कोई कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए क्या कंस्ट्रक्शन है हमारे पास की जॉइन ए एंड ओ ठीक है जॉइन भी हो गई अब हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल ए बी एन ट्राइंगल एओसी ठीक है ध्यान से देखिएगा ओके okay. बहुत ध्यान से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडिया रेडियाई की लेंथ सेम होती है ऑलवेज देखिए ओ बी ओ सी बराबर है ठीक है ओके okay. उसके बाद यह भी कर लें हम हुँ. कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ ठीक है ईच नाइन्टी डिग्री नाइन्थ में हमने एक थ्योरम की थी कि टेंजेंट इज perpendicular at एट द पॉइंट ऑफ to टू द रेडिया सर्कल टेंजेंट इज मैं यहां पे साइन बना रहा हूं आपको प्रॉपर परपेंडिकुलर लिखना है क्योंकि मेरे पास जगह कम है टेंजेंट इज प्रपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल विथ रेडियस ये चीज आप को लिखनी है ठीक है तो ईच 90 डिग्री हो गया अब ए ओ ज इक्वल टू ए सो आप ये देखिए आर एच एस या आर एस एच जैसा भी आपको ठीक लगे ठीक है सो कॉमन देअर फॉर ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसी बाय आर एच एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंस हो गया बिल्कुल हो गया जी ओके सो ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गोडेंट ट्राइंगल्स इज प्रूवड दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल ये आपको लिखना है साथ में हो जाएगी बात बन जाएगी देखिए कितना सिंपल था ठीक है चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं और एग्जाम्पल्स uh, सॉल्व uh, करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीन एग्जाम्पल्स हैं तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको तीनों ही बहुत ध्यान से करनी है तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं यहां पे अर्थ हम करेंगे एग्जाम्पल वन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स कॉड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचिज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखिए जरूरी नहीं है कि यहां तो चलिए डायग्राम उन्होंने साथ में बना के दे दिया है पर एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपको डायग्राम देगा सो so, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए ठीक है ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं प्लीज पार्टन एंड माई ठीक है ओके ए बी और ये हमारे पास एक्सटर्नल जो हो जाएगा ये सर्कल वन हो जाएगा और ये सर्कल टू हो जाएगा लेट से ठीक है और यहां पे ये हम आ, आ, पी रख लेते हैं नाम और ये ओ रख लेते हैं नाम ठीक है ओके okay. ओ पी पर हो जाएगा आइदर विच में सो uh, so, अब हमें प्रूव क्या करना है कि उन्होंने बोला कि इन टू कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल ये कॉर्ड लार्जर सर्कल की यानी सर्कल की कॉर्ड है और और द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी ये प्रूव करना है गिवन तो आप लिख लेंगे मैं नहीं लिखने वाला हूं गिवन तो रिक्वायर्ड टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू पी बी और वडियो से कंस्ट्रक्शन होगी कोई येस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी चलो जी बन गई बात ये भी अप्रूव करेंगे प्रूफ प्रूफ क्या है मिला लें जरा इसको थोड़ा सा हिसाब किताब से मिला लिया जी। अप्रूव क्या ंगल एंड ट्राइंगल बीओपी ठीक है ओके। okay. ये आप यहां लिख सकते हैं कि सर्कल वन इज गिवन में लिख सकते हैं कि द लार्जर सर्कल इज डिनोटेड बाय सी टू स्मॉलर सर्कल इज डिनोटेड बाय सी वन ये गिवन में लिखा जा सकता है हाउ अब हम लिखेंगे कि इक्वल टू ओ बी ए इज इक्वल टू बी ओ लिखते हैं ठीक है ना ए बी ओ रेडिया ऑफ सर्कल टू ठीक है अच्छा अब हम लिखेंगे uh, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ ईच नाइन्टी डिग्री ठीक है बिकॉज ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी अच्छा इसका रीजन क्या है इसका रीजन थ्योरम टेन पॉइंट वन है जो आप लिख भी सकते हैं द टेंजेंट एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको द टेंजेंट एट

तो मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली है आप नहीं करेंगे मैं बार बार बता रहा हूं ठीक है ये जस्ट लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख लीजिए रेडियस टू द टेंजेंट क्योंकि आपने ये चीज लिख दी है तो सिंपल रीजनिंग आप पार्ट इस तरह से लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन कॉमन आ गया जी तो देयर फोर ट्राइंगल ए पी इज कॉन्वरेंट टू ट्राइंगल बी ओ पी ठीक है क्योंकि हम ये सारी चीजें ऊपर करके आए हैं कि कौन सी टेंजेंट है कौन सी कॉर्ड है तो ये सारी बातें करके आए हैं हम तो देअर फोर ए पी इज इक्वल टू बी पी सी पी सी टी और यहां पे कॉमग्रेंसी का रीजन क्या है यहां पे कॉमग्रेंसी का रीजन है आर एच एस क्योंकि अब एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन काफी आने शुरू हो गए हैं तो आपको शायद ये क्वेश्चन एक नंबर में ही आएगा एमसीक्यूज टाइप्स ना तो इतना सारा आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं जिन क्वेश्चन में पड़ेगी उन क्वेश्चन में जरूर बताया भी जाएगा बट हाउ एवर इसको अगर हम सब्जेक्टिव तरीके से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब एग्जाम्पल टू को बहुत ही ध्यान से आपने करना है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और कई कई बार बच्चों को यह मुश्किल भी लगती है बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ही केयरफुली पढ़ते हैं हम और साथ साथ में उसको ड्रॉ करने की कोशिश भी करेंगे टू टेंजेंट्स TP एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ ओके एक सर्कल बना लेते हैं ठीक है दो टेंजेंट्स TP और टी क्यू आ जाएगा टी पी और टी क्यू ठीक है दो टेंजेंट्स आ गए सर्कल का सेंटर ओ आ गया उसके बाद उसने लिखा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी लिख दिया जी प्रूव दैट पी टी क्यू टू प्रूव है एंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू ओ पी क्यू तो सबसे पहले तो ओपी क्यू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से आएगा ये वाला और इसको मैं यहां मिला लेता हूं ठीक है और पी टी क्यू ये आएगा अच्छा इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताऊंगा कभी भी एंगल्स को वाइज मत लिखिए उनकी नेमिंग कीजिए या नंबरिंग कीजिए ये मान लीजिए ये एंगल वन है ये एंगल टू है इसको एंगल थ्री रखिए और इसको एंगल फोर रखिए ट्रस्ट भी ये क्वेश्चन मल्टीपल फोल्ड्स आसान हो जाएगा आपके लिए देन व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट विल यू बी डूइंग ओके लेट्स डू इट देन अब आप ये देखिए और पूरी थ्योरम दिमाग में रखिएगा जो जो करनी है प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल पी टी क्यू टीपी इज इक्वल टू टी क्यू वाई आपको पता है टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल रीजन इसका ये है टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ये आ गया बिल्कुल आ गया जी देयर फोर एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर ठीक है एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ये आ गया बिल्कुल आ गया जी अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसके बाद आगे करेंगे सो so, अब हम लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंगल वन प्लस एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल दिए थे तो बस अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है मैं ट्वाइस ऑफ एंगल फोर भी लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री भी लिख सकता हूं क्योंकि टू और थ्री जुड़े हुए हैं इसलिए मैं यहां लिखूंगा एंगल थ्री ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू वन डिग्री बिकॉज फ्रॉम वन लिख लेंगे और यहां पे मैं इस इक्वेशन को वन दे लूंगा ना, ठीक है ओके okay. अच्छा ये हो गया अब आप ये देखिए कि क्या किया जा सकता है और नाउ, परपेंडिकुलर ऑन हमने थ्योरम की थी वही जो टेन पॉइंट वन जिसकी बात मैं कर रहा था कि अब देखिए थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है tangents at tangents perpendicular to a, uh, to the radius at point of contact tangent perpendicular to the radius at point of contact to a circle लिख लिया जी देयर फोर एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ये देखिए आप ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये पूरा नाइन्टी डिग्री बना तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री नाइन्टी डिग्री तो अब आप ये देखिए कि अगर एंगल थ्री की वैल्यू निकालनी हो तो एंगल थ्री की वैल्यू मैं निकाल लूंगा नाइन्टी माइनस एंगल टू ये बन जाएगी इक्वेशन थ्री और ये बन जाएगी इक्वेशन टू ठीक है यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम टू एंड थ्री तो एंगल वन प्लस ट्वाइस ऑफ नाइन्टी माइनस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अच्छा ये हो गया एंगल वन प्लस वन एट्टी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी वन एट्टी इधर गया तो जीरो बन गया ये इधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू आ गया सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू हेंस देखिए कितना आसान लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं नंबरिंग के बिना करेंगे तो मुश्किल रहेगा एंगल्स को नंबर दीजिए क्वेश्चन पक्का आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा और आप लोगों के लिए कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी बिल्कुल भी ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अब करते हैं हम एग्जाम्पल थ्री वो बिल्कुल अलग है और आपको उसे बड़े ध्यान से समझना भी है Uh, मेरी फिर से एडवाइस है कि एनसीआरटी के सोल्यूशन मत देखिएगा शायद आपको नहीं समझ में आए अगर आपको आ जाए तो वेल एंड गुड ठीक है मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं सो so दैट आपको आसानी रहे स्टेटमेंट ये है कि पी क्यू इज अ कॉड जो पी क्यू है वो कॉड है कॉड हमें पता है डेफिनेशन हम सारी पढ़ के आए हैं इसकी लेंथ आठ सेंटीमीटर है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर एक सर्कल है जिसकी पी क्यू कॉड है उसकी लेंथ आठ सेंटीमीटर है और टेंजेंट uh, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी फाइंड लेंथ ऑफ टी पी इसकी लेंथ ढूंढनी है मुझे ठीक है क्लियर है आपको बुक में भी देख लेंगे अब आप अब अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं पहले तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे अच्छी सी लेट्स सी तो लीजिए फिगर तो हो गई ड्रॉ थोड़ा सा सेफ बन गया है बट आप इसको सर्कल ही समझिएगा ठीक है और प्लीज मुस्कुराइएगा मत आपको पता मेरी ड्राइंग अच्छी है। ये एक टेंजेंट बन गई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी आ गया फिर ये यहां पे टेंजेंट बना लेंगे हम ठीक है ये टी कॉमन पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू आ गया ये सेंटर है ये ओ आ गया ये पाँच सेंटीमीटर है बाकी ये पाँच सेंटीमीटर है और ये पूरी आठ सेंटीमीटर है पी क्यू ठीक है और ये ओ पाँच सेंटीमीटर है बाकी वो कहता है टी पी निकाल दो ओके बहुत ध्यान से देखिएगा ट्राइंगल्स आपको आने चाहिए इसके लिए सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं और लिखता हूं ज्वाइन टी ओ टी एंड ओ ठीक है ओके प्रूफ में करें अब क्या देखा जा सकता है प्रूफ में सिंस क्यू इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर इज द कॉड ऑफ द सर्कल ये गिवन है मुझे है ना अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो कैसे इंपॉर्टेंट होती है वो देखते हैं बात करते हैं मैंने कहा कि ज्वाइन टी एंड ओ सच दैट अब देखिए सच दैट क्या है सच दैट इट बाइसे्ट एंगल टी यानी इस एंगल टी को बाइसेक्ट करेगी एंगल वन और एंगल टू सेम हो जाएंगे ठीक है एंड इंटरसेक्ट मैं बाइसेक्ट नहीं लिख रहा हूं इंटरसेक्ट लिख रहा हूं मैं इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट आर तो ये जो पॉइंट है ये आर हो जाएगा ठीक है अब ध्यान दीजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं सो टी पी क्यू एक आइसोसलेस्ट एंगल है अगर इसका वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट हो जाए तो ये जो थर्ड साइड है जो नॉन इक्वल साइड होती है उसे बाइसेक्ट कर देती है ये हमारी थ्योरम है नाइन्थ क्लास की तो मैं यहां पे अब आगे लिखता हूं कि ट्राएंगल टीपी क्यू सिंस uh, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू क्योंकि हमें पता ही है इन दोनों की लेंथ सेम होगी तो देअर फोर ट्राइंगल टीपी क्यू इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल यहां मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल टीपी क्यू अब देखिए क्या क्या लिखा जाएगा इन ट्राइंगल टीपी क्यू टीपी इज इक्वल टू टी क्यू वाई Tangents from a common outside point to the circle. Theek? Therefore, triangle TPQ is an isosceles triangle. ठीक है एंड टी ओ इज द बाय सेक्टर ऑफ एंगल टी वाई बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है बाय क्या हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया अच्छा सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू आ गया ये तो चलिए एक बात है नाउ अब या तो मैं करूं थ्योरम यूज यहां पे। या तो मैं थ्योरम यूज कर लूं और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं और फिर लिखूं ये और ये इक्वल हैं। या फिर मैं सीधा ही लिख सकता हूं कि सो so, ओटी बायसे साइड पी क्यू ठीक है तो हम ये भी लिख सकते हैं यहां पे मैं लिख सकता हूं कि बाइसेकट करता है देअर फोर यहां लिख देता हूं मैं देयर फोर ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू ओ टी क्या है परपेंडिकुलर पी क्यू का तो फिर मैं लिख सकता हूं देअर फोर ओ टी बायसेक्ट क्यू एंड पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सॉरी पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इज हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर यह हो गई एक बात अब आप ये देखिए ये जो चीज है और दो मुझे पता था शुरू में ही कि ये चार सेंटीमीटर है ठीक है बहुत 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 ध्यान से देखिएगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं पाइथागोरस लगाऊंगा तो वैसे ये तीन सेंटीमीटर आ जाएगी तो लिख लेते हैं जी कि फिर यहां से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है सो एंगल सो ट्राइंगल पी आर ओ इज राइट ट्राइंगल राइट ंगल ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस सो ओ तो रेडियस है तो पाँच का स्क्वायर पी अभी करके आए हैं चार का स्क्वायर प्लस ओ मुझे पता नहीं है अभी के लिए ओ इज इक्वल टू पाँच का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर नौ और ओ आ जाएगा तीन सेंटीमीटर्स सो ओ आ गया हमारे पास तीन सेंटीमीटर अब अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगी और मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज अब बताई जाएगी वो वन स लेक्चर होती है ऐसी चीज तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा चलिए अब चलते हैं सिमिलैरिटी आपको याद होगी कि एंगल एंगल रूल देखिए मैं करूंगा कुछ नहीं मुझे टीपी लेके आना है टीपी की लेंथ मुझे पता नहीं है पता मुझे टी ओ की लेंथ भी नहीं है जो ये जो दो चीजें बोल रहा हूं ना इन्हें बस ध्यान से सुनिएगा तो अब आप ये देखिए कि एक राइट ट्राइंगल है पी आर ओ और ये एक राइट ट्राइंगल है टी पी ओ ये राइट है पी आर ओ राइट है पी पे तो लिख लें देखिएगा ध्यान से इन ट्राइंगल ओ एंड पी आर ओ ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा अब मैं आ, इनको सिमिलर प्रूव करूंगा एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ ईच नाइन्टी डिग्री अच्छा तो उससे पहले मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को लिखा नहीं है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन टी पी वाई बिकॉज रेडियस परुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है अब हो गया पूरा अब बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से मैं रेफर करूंगा आ, इसको फिगर को और आपको बताऊंगा हमने ये ट्राइंगल ली है और ये ट्राइंगल ली है ये तीन सेंटीमीटर हमें पता है ये चीज जो तीन सेंटीमीटर आ चुकी है और ये चार सेंटीमीटर है ठीक है अब आप ये देखिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये देखिए मैंने ट्राइंगल कौन कौन से लिए टी पी ओ और टी -ओ, पी आर ओ टीपीओ और पी आर ओ टीपी टी मुझे पता नहीं है तो ध्यान से देखेंगे हम टीपी अपॉन uh, अच्छा अभी तो ट्राइंगल्स तो हमने की नहीं ना सो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ कॉमन तो देयरफॉर फोर ट्राइंगल टी पी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी अब आप ये देखिए कि मुझे निकालना है टीपी तो टीपी अपॉन पी आर बस ये बात याद रखनी है कि बाकी जो हम लेंगे उनकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए पी आर इसकी लेंथ पता है तो मैं लिख सकता हूं टीपी ठीक है और पी आर इज इक्वल टू अब हम इसमें टी ओ देख सकते हैं क्या हमें टी ओ की लेंथ पता है टी ओ की लेंथ नहीं पता तो नहीं छेड़ूंगा मैं इसे PO की लेंथ पता है पीओ की लेंथ हाँ पता है ठीक है तो फिर मैं पीओ और आर ओ आर ओ की लेंथ तो तीन सेंटीमीटर निकाली थी तो मैं यहां लिख दूंगा पीओ अपॉन आर ओ क्या है सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ठीक है टीपी मुझे निकालना है पी आर मुझे पता है कितना है चार पीओ मुझे पता है पांच और आर ओ मुझे पता है तीन तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा लीजिए जी आंसर आ गया आपका ठीक है ये थोड़ा सा अनयूजुअल आंसर है कई बार बच्चों को अनकंफर्टेबल रहता है ये लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि दिस इज बेस्ट मेथड और हमें ये आना चाहिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे मैंने ट्राइंगल्स लिए हैं बिल्कुल 90 डिग्री बीच में रखा है वैसे ही आपको ये ट्राइंगल्स लेने आने चाहिए ठीक है अदरवाइज ये गलत हो जाएगा गलत क्या होगा ही नहीं है सॉल्व ही नहीं होगा आपसे आप, आप कोई और ही आंसर निकाल दोगे सो so, फिर भी अगर इसके बारे में कोई डाउट है मुझसे जरूर पूछिएगा आई क्लोज द वीडियो है टेन पॉइंट टू आपका होमवर्क रहेगा थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो वेरी पेशेंटली हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड बाय